हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी आप लोग अपने अपना ध्यान रखें, क्योंकि अभी फैल रहा है आई फ्लू। तो सब लोग कहीं भी जाएं तो चश्मा लगाकर ही घर से बाहर निकलें। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, उसी ब्लॉक से कंटिन्यू है। तो अभी शाम के होने लगी बहुत ज़ोर से बारिश। तो अभी हम बना रहे हैं प्याज भजिया, प्याज की पकौड़ी, कुछ भी बोल सकते हैं। और इधर बन रही है मेरी साथ में चाय, और इधर मैं बना। और इधर किंजल, वो सॉरी जीवा कर रही थी परेशान, तो मैंने कहा कहीं जल नहीं जाए, तो इसलिए मैं उस पर गुस्सा कर रही हूँ। और पता नहीं मैं कुछ बात भी करती जा रही थी, क्योंकि इधर भारती धुल रही हैं बर्तन। तो साथ में ही हम दोनों कर लेते हैं काम, और फिर इधर बनती जा रही हैं और हम अपना काम भी करते जा रहे हैं, और दोनों बात भी करते जा रहे हैं, और चाय भी बनती जा रही है। तो बस इधर पकौड़े बन के हो गए तैयार, तो हम लेकर आ गए हैं चाय पकौड़े। और इधर किंजल ने कर ली थी सूसू, तो उसकी तो बस इधर चल रहा है चाय पकौड़े का नाश्ता बरसात के मौसम में। आप लोग भी खा लीजिए चाय पकौड़े। और चाय पकौड़े खाने के बाद फिर हम लग गए अपने काम में, खाना ना बनाया। फिर इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और अभी हो रहा है नेक्स्ट डे, और आज दिन है 23 अगस्त, यानी कि मंगलवार का दिन, यानी कि आज का ही ब्लॉग है, और ये आपको जाएगा शाम को। तो इधर मैं खिला रही हूँ किंजल को दलिया। सुबह की रूटीन, बस पहले सबसे पहले ऊपर से झाड़ू पोछा करने के बाद फिर आ जाती हूँ नीचे, और इधर किंजल को सबसे पहले दलिया खिलाती हूँ दलिया फिर। और इधर चल रहा है बच्चों का कार्टून, और बस दलिया भी खिला दिया। और इधर अब मैं बना लेती हूँ सब्जी, और सब्जी में बन रही है करेले की सब्जी। और साथ में मैं कुछ बर्तन भी हैं वो भी धो लेती हूँ साथ साथ में, सारे काम इकट्ठे और जल्दी भी हो जाते हैं। तो देखो बस करेले तल चुके हैं, और इधर मसाला भी भुन गया, करेले भी तल गए। बस सिंपल से करेले बनाए थे। और मेरा मोबाइल हो गया डिस्चार्ज, क्योंकि किंजल ने चार्ज नहीं होने दिया इसलिए। तो अभी इसमें प्याज और तल लेंगे, फिर मसाला डालने के बाद फिर करेले को धीमी आंच पर भून के फिर बना लेंगे। और देखो प्याज भी भून गया, और देखो लाइट भी चली गई, और मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था। और इधर हो गया टाइम जीवू का स्कूल का, तो इधर मैं जीवू को तैयार करके, फिर थोड़ी बहुत डस्ट थी पलंग पे शीशे पे, क्योंकि किंजल पाउडर वगैरह उड़ाती रहती है पूरे दिन, तो बस वही साफ कर लेती हूँ। और आज हमको जाना है मार्केट रक्षाबंधन की शॉपिंग करने, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे हैं अगर चलना है तो चलो, फिर मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कही चलो पहले जीबू चली जाएगी स्कूल, और देखो बालों में क्या लगाए फिर रही है। तो बस, और बारिश तो कल से बहुत तेज़ हो रही है, पूरी रात बारिश हुई और दिन में भी। और तो बारिश बंद हो जाएगी, फिर जाएंगे हम उसके बाद मार्केट शाम को। और इधर आ गए टिक्की, तो हम लोग टिक्की पी ली थी हम लोगों ने, और इधर जी बैठे हुए हैं। और उधर बस टिक्की वाले भैया खड़े हुए हैं, और बस हम लोग निकल आए हैं मार्केट के लिए। और सीधा आप लोगों को मार्केट के बाद सीधा आप लोगों से मैं घर पे मिलूँगी, क्योंकि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई मार्केट में, क्योंकि किंजल रहती है पास में तो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो उसको पकड़ो कि वीडियो बनाओ कि सामान पकड़ो तो वो नहीं पाता है। तो आ गई हूँ मैं घर पे, आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ सामान शॉपिंग की। हाय गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट से, और देखो सारा सामान लेकर आए हैं।
कुछ सामान विशाल मार्ट से लिया, कुछ मार्केट से, तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं सामान। और ये है कोकोनट बिस्किट, एक के साथ एक फ्री था तो कॉमो में मिल गया, और 130 रुपये का एक पैकेट, और एक की फ़ायदा हो गई हम लोगों को। और इधर ये है ग्रीन टी, क्योंकि मैं रोज़ ग्रीन टी पीती हूँ इसलिए वो तो मैं पहले ही लेकर आती हूँ। और ये है मूंग दाल, इस मूंग दाल के पीछे तो किंजल ने बहुत परेशान किया था। और ये है जीवू के लिए बनियान लेकर आई हूँ, क्योंकि उसकी फट गई थी मतलब थोड़ा सा। और इधर ये देखो, ये लेकर आए हैं पैंट, बहुत सॉफ्ट है, मतलब स्ट्रेचबल है, मतलब ऑफिस वगैरह जाने के लिए ठीक है। और ये हमको पड़ा था 499 रुपये का। और अगर आप लोगों को लेना है तो आप विशाल मार्ट से ले सकते हैं, वहाँ पर बहुत सस्ते कपड़े भी मिल जाते हैं। और मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आवाज़ कम आएगी उस, इसलिए मैं दोबारा से बता रही हूँ। और इधर किंजल पहन रही है जूते, अपने पापा के साथ में जूते भी लेकर आए हैं हम लोग। और ये देखो, दो पैंट लेकर आए हैं, एक अपने लिए, और ये है कॉस्मेटिक चीज़, कॉस्मेटिक सामान, ये सनस्क्रीन, बिंदी, एवर यूथ का स्क्रब। और इधर जीपू कर रही है परेशान, कहीं कुछ सामान उठाती जा रही है और मैं परेशान हो रही हूँ। और ये लेकर आई हूँ मैं ब्लाउज का पीस, बहुत अच्छा है, और इसमें बारीक बारीक से सितारे लगे हुए हैं, तो क्योंकि मेरे पास ग्रीन, रेड और बस एक ब्लैक कलर का और लेना था, और ये किसी भी साड़ी पर पहन के बहुत अच्छा लगता है। ये इसके साथ में लेकर आई हूँ अस्तर, और ये है ग्रीन कलर का पेटीकोट, मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा देती हूँ। और ये लेकर आई हूँ मैं फाइनली अपनी सासू माँ के लिए साड़ी, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी, बहुत सॉफ्ट है। और आप इसे कहीं भी, मतलब कहीं जा रहे बाहर, और इसमें बारीक बारीक से वो लगे होते हैं सितारे, पता नहीं वही है पूरी साड़ी पर, ये लाइनिंग है उस पर। और ये इसका ब्लाउज था, और देखो बहुत बहुत सुंदर लग रही थी ये साड़ी। इसका ब्लाउज सिल जाएगा ना तब मैं, मतलब मम्मी का है, मम्मी पहनेगी ना रक्षाबंधन को, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इसको तैयार कराने के बाद, और देखो इसमें कटिंग का वर्क दिया हुआ है, बारीक वाली कटिंग का बॉर्डर। और उधर देखो जीबू क्या कर रही है, देखो है बारीक वाला बॉर्डर, कटिंग वाला। और आप लोग बताना कि मेरी हेयर स्टाइल कैसी लग रही है, मेरी छोटी ननद ने बनाई है, और अभी तो कोई आया ही नहीं है तो भूई रहती हैं। तो बस इतना सारा शॉपिंग की, और आज पति देव को बहुत सारे पैसे खर्च करवा दिए मैंने, और जूते भी लेकर आए थे वो अपने लिए किंजल पहन के। रक्षाबंधन की शॉपिंग हो गई मेरी, फिर भी राखी तो लेकर आई नहीं। आने के बाद खाना बनाया, मार्केट से आने के बाद खाना बनाया, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाते हैं सारा सामान, क्योंकि आप लोग उसके बाद। और इधर मैं कर लेती हूँ कमरे की सफाई, क्योंकि ये सारा सामान समेट के रख देती हूँ। और मैं कह रही हूँ इनसे कि पहले बिस्किट चेक कर लो, वही वाला बिस्किट है कोकोनट का कि दूसरा तो नहीं है, शायद एक के साथ एक फ्री में वो है, तो आप लोग भी खा लीजिए बिस्किट। तो हम लोग वही कह रहे हैं बिस्किट अच्छा था, बचपन वाला जो हम लोग बचपन में खाते थे, तो इसलिए। तो इधर बन रही है हमारे हस्बैंड जी की ग्रीन टी नहीं सॉरी ब्लैक टी, क्योंकि उनको हो रहा है फीवर, सर्दी, जुकाम, तो उनके लिए बना देती हूँ।
ब्लैक टी यानी कि मतलब काढ़ा ही टाइप का है, उसमें मैंने लौंग इलायची सब कुछ डाल दिया है। थोड़ी करे इतनी सारी, तो बस इधर बन रही है, मैं आ गई उनको ग्रीन टी। और सब्जी बन चुकी थी, सब्जी बनाने के बाद फिर अब मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि सब लोग भी खा लेंगे और टाइम भी हो रहा था खाने का। तो आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें। और प्लीज़ आप लोग वीडियो देखा करें मेरा, और आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो। और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं ऐसे ही वीडियो, अगर आप लोग देखोगे नहीं तो मैं वीडियो बनाने मुझे भी अच्छा नहीं। और इधर पापा देख रहे हैं, वो न्यूज़ सुन रहे हैं, क्योंकि वो आसानी चंद्रमा पे एंड कर लिया है इसलिए। तो इधर किंजल खड़ी है, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय सो मच, गुड नाइट।